हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के। भारत में अब भी कई घरों में 6 से 7 लोग एक साथ रहते हैं। ऐसे में पूरी फैमिली के लिए 2 कारें खरीदना मुमकिन नहीं, लेकिन मल्टीपर्पस व्हीकल्स MPV या स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल SUV ऐसे परिवारों की जरूरत को पूरा करती हैं। इस सेगमेंट की कारों को 7 सीटों के साथ उपलब्ध कराया जाता है। इसमें से कुछ कारों में 9 सीटों का भी ऑप्शन है, जहां रियर सीट्स को बढ़ाया गया है। मारुति सुजुकी अर्टिगा, शुरुआती कीमत 6.34 लाख रुपए, माइलेज 24.5 km/h। मारुति सुजुकी की अर्टिगा टॉप सेलिंग कारों में शामिल है। मारुति की ओर से पेश की गई यह इकलौती MPV है। अर्टिगा में 1373 cc इंजन है, जो कि 68 kW पावर और 130 nm टॉप जनरेट करने की क्षमता रखता है। मारुति की ओर से जल्द अर्टिगा का नया जनरेशन मॉडल भी लॉन्च किया जाना है। माना जा रहा है कि नई कार इसी साल लॉन्च होगी। नई अर्टिगा का ग्लोबल डेब्यू इंडोनेशिया इंटरनेशनल मोटर शो 2018 में किया गया। पुराने जनरेशन के मुकाबले नई मारुति अर्टिगा को ब्रांड न्यू डिजाइन भी दिया गया है। इसके अलावा इसके साइज को बढ़ाया गया है और ज्यादा पावरफुल बनाया गया है। नई अर्टिगा को सुजुकी के HERTECT प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, जिसे मारुति की नई जनरेशन वाली कारों जैसे स्विफ्ट, डिजायर, बलेनो और इग्निस में देखा जा चुका है। यह अर्टिगा का सेकंड जनरेशन है और इसे दिवाली के आसपास भारत में लॉन्च किया जाएगा।